दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टेक्निकल छुरा 2.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक। आज हम लेके आए यूबॉर्न कंपनी का एक होम थिएटर, जिसको देखने बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही गजब बजता है, उसकी बास क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये एक नया प्रोडक्ट है जो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आज है 14 तारीख और आज ही के दिन पुलवामा में हमारे वीर सैनिक शहीद हुए थे, जिनकी शहादत के लिए आज हम उनको तहे दिल से नमन करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है वो प्रोडक्ट जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसका टोटल डब्बा खोल और विश्लेषण करने वाले के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसा है इसका साउंड क्वालिटी, कैसी है इसके अंदर जो आने वाली वायर क्वालिटी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए अब इसको खोलते हैं। हालांकि दोस्तों, बॉक्स के ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। और दोस्तों, इसके बॉक्स के बाहर रिच बास सीरीज है, ये सुपर साउंड क्वालिटी। इसका मतलब क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। इसका मॉडल नंबर है HT4030। साथ ही साथ दोस्तों, ये ब्लूटूथ कनेक्टर है, कनेक्टिंग है और USB मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, FM और ऑक्स केबल, चारों चीज़ें। और दोस्तों, साथ में ये 4.1 का चैनल है, इसमें चार स्पीकर दी जाती है और एक साथ में ये डिब्बा जो आएगा। चल चूट। और दोस्तों, इसका जो पावर ऑडियो है ये 30 वॉट का है और 6.5 सुपर वूफर है। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बट वो अपने मतलब की नहीं है, अपने मतलब की तो चीज़ अंदर है। चलिए दोस्तों, इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। धीरे से हम खड़े हो जाते हैं और हम अभी ये सीजर। बॉक्स पैकिंग तो काफ़ी बड़ा है इसका। और ये है वो प्रोडक्ट जिसके लिए है हम डिब्बे को रखते हैं साइड में। और दोस्तों, ये है वो चीज जिसका हम टेस्ट करेंगे कि ये कैसा बजेगा, उसके साथ क्या क्या चीज़ें मिलती है। पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये सारी ये चीज़ें हैं, तो चार स्पीकर मिलते हैं ऐसे, ये चारों स्पीकर्स। One, two, three, four। साथ ही एक रिमोट मिलता है और ये है एंटीना दोस्तों, FM रेडियो के लिए। और ये वो ऑक्स केबल जिसके थ्रू आप मोबाइल से डायरेक्ट सुन सकते हैं। ये इसका रिमोट इस तरह से दिखता है। ये चार स्पीकर्स हैं और ये मेन सबवूफर और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का टोटल इसमें दिया रहेगा। पीछे दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है, ये इसका एंटीना जो आप यहाँ लगा सकते हैं, और इसके ऑक्स केबल, आउटपुट इनपुट, और ये इसके चार चैनल स्पीकर्स हैं। तो दोस्तों, देखने में कुछ इस तरीके का लगता है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। हालांकि दोस्तों, इसके स्पीकर्स के जो वायर हैं वो काफ़ी लंबे दिए गए हैं, ताकि आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको दूर रख सकें। दो छोटे दिए गए,
लगभग एक या डेढ़ मीटर के, और दो दूसरे जो है वो काफ़ी बड़े दिए गए हैं, यानी दूर आप रख सकते हैं, एक रूम में आप कहीं भी रख सकते हैं। और वो इसके साथ ये वारंटी कार्ड आती है, 6 मंथ की वारंटी कार्ड है, ये कुछ ऐसी वारंटी कार्ड है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको एक बार बजाते हैं और देखते हैं कैसी साउंड है, क्या है, कैसा है। तो मिलते हैं इसका पूरा सेटअप करने के बाद, पहले इसका पूरा सेटअप कर लेते हैं फिर आपको सुनाते हैं। हालांकि दोस्तों इसका रिमोट कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें एक पावर ऑन ऑफ का है, एक म्यूट का है, एक सर्ज का है, ट्यून का है, फिर प्लस माइनस वॉल्यूम, और जो नॉर्मल रिमोट में आते हैं वो सारी चीज़ें, प्ले पुश, वॉल्यूम अप डाउन, नेक्स्ट, रिव्यू। और बात करते हैं अब मेन चीज़ के बारे में, तो कुछ इस तरीके का इसमें डिस्प्ले आता है, जिसमें अभी इसका ब्लूटूथ दिखा रहे हैं कि, और ये एक स्टेरिंग की तरह काम कर रहा है। हालांकि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, कुछ स्टेरिंग की तरह ही काम करता है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, मैं इसको घुमा रहा हूँ, वॉल्यूम इसका माइनस अप हो रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। ये है एक सर्च बटन, ये है प्लस माइनस बटन, और ये स्टेशन। तो चलिए इसको एक बार बजा के देखते हैं कि ये कैसा बजता है। पहले इसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों ब्लूटूथ तो कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो चलिए सुनते हैं। इसको हम मैक्सिमम वॉल्यूम पे करके देखते हैं कि कितना आवाज आता है। तो हालांकि जैसा कि अभी अपने दोस्तों सुना कि ये कैसा बज रहा है, बात करें आपको तो उस तरफ से इसकी साउंड क्वालिटी सुनाई नहीं दी होगी, बट अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मुझे कैसा ये लगा, कैसा इसकी साउंड क्वालिटी है, कैसी बास क्वालिटी है। पहले इसकी एक चीज़ मुझे दोस्तों ख़राब लगी, ये हमिंग बहुत करता है, स्पीकर वाइब्रेट बहुत होता है। दूसरी बात, इसकी जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही सुपर है, बहुत ही अच्छी है, और इसकी बास भी बहुत कम्प्लीट है, एकदम कंप्लीट सॉन्ग टू सॉन्ग और मैच होती हुई बजती है स्पीकरों के साथ। तो बास क्वालिटी में ये बहुत अच्छी है और साउंड क्वालिटी में भी बहुत अच्छी है। बात की जाए इसकी डिज़ाइन और लुक वाइज की, तो आप देख ही सकते हो कितनी ब्यूटीफुल दिखती है, बहुत ही अच्छी दिखती है। ओवरऑल इसकी जो मार्केट वैल्यू है ये अप्रोक्स 400-500 के आसपास मिल जाएगी आपको, और ये मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपको पर्सनली, मुझे अगर पर्सनली मेरी बात की जाए तो मैं इस रेंज में इसको लेना चाहूँगा, क्योंकि बास क्वालिटी, सॉन्ग क्वालिटी और जो इसके फंक्शंस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्मूथली रन होते हैं और बहुत ही स्मूथली ऑपरेट भी होते हैं रिमोट थ्रू। तो इस रेंज में ये चीज़ मैं परचेज पर्सनली कर सकता हूँ, जो मैंने किया भी है। आपको आज मैंने आपकी इसकी अनबॉक्सिंग दिखा दी। तो अगर आप 5,000 के अंदर के बजट में ऐसी चीज़ें लेना चाहते हैं तो यूवन कंपनी की ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी है। थैंक यू फॉर दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए, ऐसी हमारी वीडियो देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोडक्ट के साथ, तब तक लिए दोस्तों जय हिंद।